सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, द फ्रंट पे आपका स्वागत है। मैं हूँ दीपाली श्रीवास्तव। आज और अभी में मेरे साथ देखिए देश और दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा के वेटरनिटी विश्वविद्यालय में पशु आरोग्य मेले की शुरुआत की। यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने की मुहिम की शुरुआत करते हुए पीएम ने बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे 2 अक्टूबर तक अपने घरों और दफ्तरों से सिंगल यूज प्लास्टिक को हटा लें। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि पड़ोस में पल रहे आतंकवाद से निपटने के लिए भारत पूरी तरह सक्षम है। उन्नाव रेप पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए जज दिल्ली एम्स पहुंचे हैं, जहां पर पीड़िता भर्ती है। एम्स के जेपी एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में अस्थायी कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हॉस्पिटल में ही जाकर पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए ट्रायल कोर्ट को मंजूरी दे दी थी। 5 अगस्त से पीड़िता उसका वकील यहां पर भर्ती हैं। तिहाड़ जेल में बंद आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को भी इस कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस विशेष अदालत में बाहरी व्यक्ति या मीडिया को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे नारा लोकेश समेत तेलुगु देशम पार्टी के कई नेताओं को आज सुबह नजरबंद कर दिया गया है। दोनों नेता अपने समर्थकों के साथ सरकार के विरोध में अपने आवास पर सुबह 8 बजे से भूख हड़ताल पर बैठे थे। पुलिस प्रशासन ने अटकामुर समेत संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है। नायडू को मीडिया से मिलने की भी इजाजत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा है कि यह लोकतंत्र के लिए काला दिन है। प्रशासन ने चंद्रबाबू के अलावा उनके कई समर्थकों को भी नजरबंद कर दिया है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू और उनके समर्थकों पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में चल रही मंदी के पीछे युवाओं के माइंडसेट को एक बड़ी वजह बताया है। उन्होंने कहा कि आजकल का युवा नई गाड़ी की EMI भरने से ज्यादा ओला उबर में सफर करना पसंद कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने BS6 तकनीक को भी एक वजह बताया। आपको बता दें कि यात्री वाहन बिक्री में लगातार 10 महीने से भारी गिरावट देखने को मिल रही है। साल के सबसे बड़े इवेंट में एप्पल ने अपनी नई गेमिंग सर्विस एप्पल ऑर्केड, 5th सीरीज की एप्पल वॉच और 7th जनरेशन के 10.2 इंच का नया iPad लॉन्च किया। कैमरा पावर को ध्यान में रखकर अब तक के सबसे पावरफुल 3 नए आईफोन iPhone 11 Pro और Pro Max बाजार में उतारे। iPhone 11 कुल 6 रंगों में जबकि Pro और Pro Max 4 रंगों में मिलेंगे। भारत में इसकी कीमत 65,000 से लेकर 1,00,000 रुपए के बीच की बताई जा रही है। भारत में ये फोन 27 सितंबर से मिलना शुरू होंगे। बिग बॉस सीजन 13 की थीम और कॉन्सेप्ट को एंटरटेनिंग बनाने के लिए मेकर्स कई बड़े बदलाव कर रहे हैं। खबर है कि इस बार ओरिजिनल बिग बॉस वॉइस के साथ एक फीमेल बिग बॉस वॉइस को भी शो में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ऐसा बिग बॉस के इतिहास में पहली बार होगा जब फीमेल बिग बॉस की आवाज दर्शकों को सुनाई देगी। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। देश और दुनिया के हर बड़े मुद्दे पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए देखते रहिए द फ्रंट। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।